सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। माय नेम इज प्रिया सिग्रोहा एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन द एग्जाम। चाहे आपने साल भर किसी भी तरीके से पढ़ाई की हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना एंड में किस तरीके से जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता ही नहीं होता है कि देयर आर सम वेरियस टेक्निक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएंगी। तो अगर आपने अपने आंसर्स अभी तक बिना किसी टेक्निक के लिखे हैं और सिंपली इसी तरीके से ही लाइक जैसे आपको ठीक लगा वैसे ही लिख दिए हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि अब तक आप क्या क्या गलती करते आए हैं और कहाँ कहाँ पे आपके वीक एरियाज हैं, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 60-70s में अटक जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उससे भी बिलो रह जाते हैं, कुछ 70-80 वाले बच्चे बन के रह जाते हैं, कुछ 80s वाले बच्चे बन के रह जाते हैं। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो 90s वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से वो आंसर्स लिखते हैं, तो वही मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू शो यू, मैं सिर्फ बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि भी कि करना किस तरीके से है। बिकॉज जब तक आपको करके नहीं दिखाया जाएगा, हैंड रिटन नहीं दिखाया जाएगा कि भाई आंसर को अटेंड करना कैसे है, तो पता कैसे चलेगा, राइट? ओके, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही मैं आंसर्स दिखाऊंगी, बिकॉज किसी एक पे वीडियो बना देना, कोई एक आपको या तो मैं इंग्लिश में दिखा दूं या हिंदी में दिखा दूं, तो उससे जो दूसरे मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ना इंसाफी होगी और उनको समझ नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों मीडियम में दिखाया जाए। तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल इन बोथ द मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ओके, सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत कॉमन टॉपिक, बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। डिफाइन एजुकेशन एंड डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग आंसर, ठीक है, जो आपको लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये देखने को आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, राइट? सो ये रहा आंसर जो मैंने लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल प्रॉपरली दैट किस तरीके से आपको भी आंसर लिखना है, राइट? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस शीट पे मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, आंसर के स्टार्टिंग में लिखा गया है इंट्रोडक्शन, राइट? साइड में भी आप शीट देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि एजुकेशन का क्या मीनिंग है और बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जो आप ये आंसर लिखेंगे इसके अंदर, राइट? सो इस तरीके से आंसर की इंट्रोडक्शन डाली गई है। सो सबसे पहली चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन, हाईलाइट कर ले इसको। इंट्रोडक्शन आपको बकायदा ऊपर टाइटल लिखना है और इंट्रोडक्शन डालनी है आंसर में, राइट? छोटी सी रहेगी, लाइक यहाँ पे 5 to 6 लाइंस में मैंने इंट्रोडक्शन को डाला है, तो इसी तरीके से आपको भी 5 to 6 लाइंस में ही अपनी इंट्रोडक्शन ओवर कर देनी है। इसके बाद मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देखिए डिफाइन एजुकेशन पूछा है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, चाहे डिफाइन आए, कॉन्सेप्ट पूछा हो या मीनिंग, तो बेसिकली वहां पे मीनिंग भी डालना है और डेफिनेशंस भी डालनी है, दोनों चीजें। चाहे आपसे कॉन्सेप्ट, मीनिंग कुछ भी पूछे, तो आप उसका पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे, पूरा ब्रीफ में उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो यहाँ पे है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब एक चीज का नोट करिएगा, यहाँ पे मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है, राइट? मैं थोड़ा सा आपको इसमें भी दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है, मैंने उसके लिए कलर्ड पेन्स का भी यूज किया है, राइट? कुछ इस तरीके से मैंने पहले हेडिंग डाली है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, उसके बाद मैंने एजुकेशन वर्ड, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछा है ना,
इसी के इर्द गिर्द ही एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही पूछा, इसी के इर्द गिर्द मेरा आंसर है, तो ये तो मुझे भाई लिखना ही है, इर्द गिर्द क्या, यही मेरा आंसर है, राइट। तो इसको मैंने हाईलाइट किया, राइट। फिर लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है तो तीन लैटिन वर्ड है, एक ही से डेराइव नहीं है, तो मैंने ए बी सी उसको बना दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने पॉइंट्स पे आ गई, ठीक है, या तो 1 2 3 4 आप डालो, न्यूमेरिकल में डाल दो, या ए बी सी पुट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी का या तो लेटर फॉर्मेशन में आप डाल रहे हो या आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पॉइंट वाइज बता रहे हो, ठीक है। इस पे आ गए, अब यहाँ पे नीचे बताया गया, अब लैटिन वर्ड से तो डेराइव्ड है, इंडिया में क्या बोलते हैं भाई एजुकेशन को, वो भी तो आप बताओगे, क्योंकि इंडिया के अंदर हम बी एड कर रहे हैं, तो हमें अपने कल्चर के हिसाब से भी आंसर को लिखना है, सिर्फ वेस्टर्न के हिसाब से नहीं लिखना है, हमें इसको इंडियन संस्कृत के हिसाब से भी लिखना है। व्हाट इज, मैंने यहाँ पे डाला है कि शिक्षा और विद्या भी बोला जाता है, और फिर उसका मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया है। डिफरेंट कलर का पेन मैं यूज कर रही हूँ, बट मेक श्योर आप रेड और ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर कौन सा, जो प्रिंसिपल यूज करते हैं ना, वो वाला ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए रेड कलर का पेन यूज करती हैं टीचर्स, जो आपके पेपर को चेक करेंगी, सिर्फ वही यूज कर सकती है, आप यूज नहीं कर सकते हैं। एंड ग्रीन कलर का पेन होता है फॉर्मली सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, तो आप वो भी पेन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी कलर्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी ग्रीन यूज किया है, बट मेरा ग्रीन डार्क ग्रीन नहीं है, जो कि जनरली प्रिंसिपल्स के द्वारा यूज किया जाता है। मेरा एक बहुत ही यहाँ पे नियॉन की शेड में एक ग्रीन कलर है विच कैन बी यूज्ड, ऐसे ही मैंने पिंक यूज किया है, मैंने रेड यूज नहीं किया। तो बहुत स्टूडेंट्स को होता है कि रेड फैमिली का ही कलर हम यूज ना करें, ग्रीन फैमिली का यूज ना करें, इट्स अ मैथ, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, पिंक यूज कर लो, लाइट ग्रीन यूज कर लो, लेकिन प्रिंसिपल जो कौन से कलर का पेन यूज करते हैं अपने स्कूल टाइम में, थोड़ा सा आप रिकॉल करो, डार्क ग्रीन, राइट। और टीचर्स कौन सा यूज करती हैं, ब्लड रेड कलर का जो पेन होता है, राइट, तो वो कलर्स आपको नहीं यूज करने हैं, राइट। और बाकी कलर्स आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट देखो इतना भी कलर्स को यूज मत कर देना कि बहुत ज्यादा जैजी लगे, कि बहुत ज्यादा वही चमकीला लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। आई हैव डन हेयर इन अ फॉर्मल वे, ठीक है, तो इसी तरीके से आप यूज करो कलर्ड पेंस। और अगर कलर्ड पेंस यूज नहीं करना चाहते हो तो ब्लैक से हेडिंग लिखिए आप, और ब्लू कलर से अपना आंसर लिखिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बारी बारी पेन चेंज कर पाओगे, तो वो हेडेक भी आपको नहीं लेना है, आप ब्लू और ब्लैक का यूज करो। ब्लैक तो देखो करना पड़ेगा, इतना तो आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, यू आर अभी आप प्यूपल टीचर हो, आगे जाके आप फॉर्मल टीचर बनने वाले हो, तो एक प्रेजेंटेशन आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, राइट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है डेफिनेशंस को, राइट, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है, मैंने यहाँ पे 6 डेफिनेशंस डाली है। ट्रस्ट मी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नहीं लिखनी है आपको, आप सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 डेफिनेशन लिख देते हैं वो इनफ है, 6 डेफिनेशन कोई याद भी नहीं रख सकता है। मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, ठीक है। एंड देखिए जिन्होंने डेफिनेशन दी है उनके नेम्स मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन से लिखे हैं, और जो डेफिनेशन उन्होंने दी है वो सिंपल ब्लू कलर के पेन से, राइट। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके आंसर में कम से कम एक फ्लो चार्ट, मिनिमम एक फ्लो चार्ट तो भाई आपको बनाना ही है, और मैक्सिमम आप 3 to 4 फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, बट एक फ्लो चार्ट आपको हर एक आंसर में किसी भी तरह इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर मैं चाहती तो यहाँ पे जिस जिसने डेफिनेशन दी है ऊपर, तो इसके लिए भी मैं एक फ्लो चार्ट बना सकती थी, बट मैं सिर्फ एक ही फ्लो चार्ट बनाना चाहती थी नेचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेचर के लिए कुछ इस तरीके से, देखिए मैं बड़ा करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये नेचर के लिए भी मैंने इतना ब्यूटिफुली ऑरेंज कलर से, एंड यहाँ पे
मैंने ऑरेंज कलर से देखिए लिखा है, ठीक है, और बीच में पिंक कलर से लिखा है। अपार्ट फ्रॉम इट, देखिए बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती करते हैं कि फ्लो चार्ट में जो क्लाउड्स बनाते हैं, एरो बनाते हैं, या मे बी और कोई शेप आप बना रहे हो, उसको पेंसिल से बना देते हैं। पेंसिल से अवॉइड करिए, मत बनाइए। बस आपको लगता है कि आप वहां पे शेप को अच्छे से नहीं बना सकते हो तो ही पेंसिल का यूज करना, अदरवाइज डोंट यूज पेंसिल। व्हाई? क्योंकि देखिए पेंसिल हम छोटे बच्चों को भी मना करते हैं, जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में भी इवन मना करते हैं कि फ्लो चार्ट्स में या कुछ भी पेंसिल से मत लिखो। क्यों? क्योंकि उसको इजीली कोई भी मिटा सकता है या वो अगेन रब होने के बाद मिट भी सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, चांसेस है कि कोई उसको इरेज कर दे या कुछ, या वो जाते वक्त खराब हो जाए या और कुछ, बिकॉज परमानेंट नहीं है पेंसिल, राइट? पेन से जो लिख रहे हो आप वो परमानेंट है, तो इसलिए हम पेंसिल को यूज करना मना करते हैं। तो एज अ टीचर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे पेंसिल का यूसेज ना करके पेन का यूज करेंगे। बट हाँ, बहुत स्टूडेंट जिनको शेप बनाने में प्रॉब्लम होती है, जिनको बार बार इरेज करना पड़ता है, जिनको लगता है दे आर नॉट गुड एट दिस ड्रॉइंग बेसिकली, तो वो पेंसिल का यूज कर ले। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप सिर्फ पेन का ही यूज करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के पेन से आउटलाइनिंग की है, मैंने क्लाउड्स को ड्रॉ किया है, राइट, एंड प्लस एरोस को भी, ओके? अब देखिए यहाँ पे मैंने नेचर को एक्सप्लेन तो कर दिया, हर एक नेचर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, मतलब उनकी हेडिंग्स डाल दी बेसिकली। अब मुझे उनको इलाबोरेट भी करना है, राइट? तो यहाँ पे मैंने पहले हेडिंग डाली, फिर उसको इलाबोरेट किया, फिर दूसरी हेडिंग, उसको इलाबोरेट किया कुछ इस तरीके से, एंड अब मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा जब मैं ये सारे नेचर जितने भी मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में इंक्लूड किए हैं उनको डिस्क्राइब कर दूंगी, राइट? अब बहुत स्टूडेंट्स को एक और डाउट होता है, मुझे भी था व्हेन आई स्टार्टेड लाइक डूइंग माय बीएड, मुझे भी ये डाउट था कि भाई क्या नेचर लिखते वक्त, या मुझे पॉइंट्स तो बहुत सारे याद है, मुझे याद है 10-12 पॉइंट्स, पर मैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन इतने मार्क्स का ही नहीं है, नीड ही नहीं है कि मुझे 10 पॉइंट्स आते हैं तो भाई मैं 10 को इलाबोरेट करूं। देन माय टीचर टोल्ड मी, और मैंने इसको बहुत सारे टीचर्स से पूछा एंड इन वेरियस मीटिंग्स ऑल्सो हमने इस चीज पे डिस्कशन भी किया, तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, नेचर आपने चाहे यहाँ पे 15 लिख दियो, आपको एक्सप्लेन सिर्फ उतने ही करने हैं जितना यहाँ पे नीड है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितने मार्क्स की नीड है उतने ही। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाल दिए नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ एजुकेशन मैंने फ्लो चार्ट में डाले 10, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो, एक्सप्लेन सिर्फ आपने अपने मैटर के हिसाब से किया, तो अभी जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना उसको ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ भाई जिस बच्चे ने पेपर लिखा है उसको नॉलेज है, सारा आता है उसको, उसने एक्सप्लेन इतना ही सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे वो अपना टाइम बचा रहा है, क्योंकि उसको पूरा पेपर भाई 3 घंटे में करना है या इतने टाइम में करना है, राइट? तो आपकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप दिखा सकते हो जो भी आपका पेपर चेक करेंगे उनको, राइट? तो लास्ट में कुछ इस तरीके से मैंने 8 पॉइंट्स लिख दिए हैं, एंड 8 पॉइंट्स लिखने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे फिनिश होता है, और ये मेरा एक लॉन्ग आंसर बन गया, इतना ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड थी। मेरा देखिए ये पूरी एक रजिस्टर की टाइप शीट है, आपकी जो एग्जाम की आंसर शीट होती है वो ऑल्दो इतनी लंबी नहीं होती है, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल पहले हम फॉलो करते थे ना आंसर लिखने के लिए वो वाली शीट मैंने यूज करी है, तो मेरा आंसर यहाँ पे 4 1 2 3 3.5 पेजेस में कंप्लीट हो गया है, राइट? तो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग के हिसाब से भी, राइट, आपको मे भी इससे ज्यादा शीट्स की जरूरत पड़े, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं अगर मैं इसको एग्जाम पेपर की शीट पे अटेंड करती, मेरे पास ऑल्दो वो थी नहीं, अगर उस पर भी कोई मेरे को अवेलेबल होती है कहीं से तो मैं आपको अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस पर भी लिख के दिखा दूंगी कोई आंसर, बट अगर यही आंसर मैं लिखती एग्जाम की शीट पे तो मेरी आराम से 6 शीट कंज्यूम होती, आराम से, बिल्कुल बटर की तरह, कोई मेरे को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं। ये जो 3.5 शीट है ये एग्जाम शीट की जो है वो इक्विवेलेंट है 6 शीट से, दीज 3.5 शीट्स आर इक्वल टू कितनी एग्जाम की 6 शीट से, राइट? तो ये ना सोचे कि यहाँ पे तो मैडम ने हमें बहुत छोटा आंसर दिखा दिया है, ये तो रेलेवेंट नहीं होगा, इतने तो उससे तो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो खुश होगा ही नहीं, हमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आई हैव यूज्ड अ वेरी ट्रेडिशनल शीट, ओके, ठीक है।
कुछ और भी मैं आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स दिखा देती हूँ। ये तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिखाया है, हिंदी के भी आंसर्स पे मैं अभी आऊंगी। सो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एज अ सैंपल दिखाना चाहूंगी, हिंदी पे भी अभी मैं हम आते हैं, हिंदी के भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आंसर लिखना है। पहले एक और मैं इंग्लिश का सैंपल दिखा देती हूँ आपको, सो दैट आपको और क्लैरिटी हो। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, डिस्कस द फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन डिटेल, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर किस तरीके से अटेंड किया जाए, राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में मैंने कोई कलर्ड पेन यूज नहीं किया है, क्योंकि आई नो बीएड में आपको लेंथी आंसर्स लिखने पड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि कलर्ड पेन यूज हम नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, ब्लैक और ब्लू से भी आप किस तरीके से एक प्रेजेंटेबल और अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि यहाँ पे लिखा जाए फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कौन है। ये जितनी भी फिलोसफीज है इनमें ये डिमांड है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट और टॉपिक की अपनी नीड होती है, राइट। तो वो लिखा। अब मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है, पर मैंने इंट्रोडक्शन बेसिकली प्रैग्मेटिज्म क्या होता है वो स्टार्ट कर दी है, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा जाने वाला है। देखो ये दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें पूछी हैं एक लॉन्ग आंसर में, राइट। तो ये बहुत बड़ा जाएगा, और प्रैग्मेटिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपके पास बहुत कुछ है उसमें लिखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे फिर फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के लिए मैंने एक मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू से ही आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हर एक फॉर्म को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वाली ये हो गई, ठीक है, सेकेंड वाली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, चारों एक्सप्लेन कर दी फॉर्म्स। अब मैंने प्रिंसिपल्स लिखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, और उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया है कुछ इस तरीके से। ये भी आप देख सकते हो एरोज वगैरह कितनी जल्दी में मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट में इस आंसर के लिए लेके चल रही थी कि 15 मिनट में इसको खत्म करना है, राइट। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म लिखे हैं, जो भी ऊपर मैंने फ्लो चार्ट में मेंशन किए हैं, मैंने अब उनको एक एक करके एक्सप्लेन किया है, राइट। और टोटल मैंने यहाँ पे 7 डाल दिए हैं, एंड दैट्स इट। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से अपने आंसर को अटेंड करें, राइट। ओके, तो हिंदी का जो टॉपिक मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी वो है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, तो और प्रकृति क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें चार चीजें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यही आपकी इंट्रोडक्शन है और यही आपने अपना आंसर भी स्टार्ट कर दिया है, राइट। ऐसा क्यों, देखिए आपने कह रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैम ने बोला इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लिखना है एंड आपको लिख के उसको एक्सप्लेन भी करना है। देखिए जहां पे 3 या 4 पॉइंट्स पूछ लिए हैं आपका आंसर ऑलरेडी बहुत लंबा होगा, ठीक है, आपको लगेगा मेरे पास 8 to 10 पेजेस का कंटेंट है और आपको खत्म करना है 6 to 7 पेजेस में। अगर आप 8 या 10 पेजेस तक लेकर गए तो आपका पेपर रह जाएगा, आखिरी का कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, विच इज वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे एक नंबर के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा और वहां पे पूरा आपका जो 16 या 20 नंबर का क्वेश्चन होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा यहाँ पे एक नंबर से कॉम्प्रोमाइज कर लो, राइट। तो इसलिए इंट्रोडक्शन को यहाँ पे मैंने अर्थ में ही डाल दिया है, ठीक है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है वो लिखा, पर्यावरण शिक्षा क्या होती है वो लिखा मैंने, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में आई पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे 9 उद्देश्य लिखे हैं, लिखने की जरूरत थी सिर्फ 5 से 6, ठीक है, इसे 7वें पे भी आने की जरूरत नहीं थी, 6 मैक्सिमम लिखने थे। मैंने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको लिख कर दिखाए हैं सो दैट आपको आंसर भी यहाँ से ही मिल जाए। तो उद्देश्य के लिए भी मैं चाहती तो एक फ्लो चार्ट बना लेती, पर यहाँ पे ऑलरेडी 4 चीजें भाई इस क्वेश्चन में पूछी हैं, यहाँ पे मैं 2 से 3 फ्लो चार्ट बनाने को बैठ गई तो मेरा तो पेपर छूट जाए। यहाँ पे नीड थी कि मैं एक ही फ्लो चार्ट बनाऊं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा आंसर होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने पर्यावरण की प्रकृति क्या होती है उसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है कुछ इस तरीके से, एक बड़ा ही प्यारा फ्लो चार्ट, ठीक है। पर इससे पहले पर्यावरण की शिक्षा की आवश्यकता क्या है वो भी मैं लिख चुकी हूँ,
और फिर प्रकृति को मैंने एक एक करके इस हिसाब से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और देखिए, जो स्टूडेंट्स हिंदी में लिखते हैं उनको पता होगा हिंदी का पेपर करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको क्या है, सेंटेंसेस इतने बड़े फ्रेम नहीं होते हैं जितने हिंदी में होते हैं, प्लस मात्रा लगाना, ऊपर वो लाइन खींचना, ये हिंदी में ना मतलब आपका आंसर लिखने में आपको टाइम लगता है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक यहाँ पे चैलेंज है कि उनको भाई 3 घंटे के अंदर अपना पेपर खत्म करना है। तो ऑलरेडी आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और मतलब एक टाइम को यूटिलाइज करना है और टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करना है, तो वो चीज आपके साथ रहती है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये बिल्कुल समझते होंगे कि किस तरीके से वो भागते हैं अपनी राइटिंग के साथ कि भाई आंसर खत्म हो, पेपर खत्म करें टाइमली हम, राइट। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेंड किया एंड इस तरीके से मैंने इसका आंसर लिया। कोई कलर्ड पेन यूज नहीं किया क्योंकि 15 मिनट मैंने अपने मैक्सिमम यहाँ पे रखे थे इस आंसर के लिए, क्योंकि मैंने जो अपना क्वेश्चन पेपर है, टोटल जितने क्वेश्चंस मुझे करने थे 3 घंटे के हिसाब से, हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट देके मुझे चलना था, ठीक है। क्योंकि उससे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी देखो आप जब दिमाग में 15-20 मिनट लेके चलते हो, आधा घंटा अपने आप निकल जाता है। अगर आप आधा घंटा लेके चलोगे तो 40-45 मिनट निकल जाएंगे, तो ये चीज नहीं करनी है। और जितना ये कंटेंट मैंने आपको दिखाया इस क्वेश्चन के लिए, इसको लिखने में 15 मिनट कभी नहीं लग सकते, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 15 मिनट का काम नहीं है ये हिंदी का, ये ऑलरेडी आपका 25-30 मिनट्स में लिखा जाएगा, और वो भी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। जैसे मेरी इतनी हिंदी की अच्छी स्पीड नहीं है, मुझे ये करने में ऑलमोस्ट आई थिंक 40-45 मिनट्स लगे होंगे, और वहीं पे अगर आपकी हिंदी की स्पीड अच्छी है तो इतना कंटेंट आप 30 मिनट्स में आराम से लिख लेंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के साथ और अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो आंसर लिख सकते हैं। एंड देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं, ठीक है। तो अगर वैसे मैंने इन सब पे वीडियोस बनाई हुई है, इन सब टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेगी चैनल पे, ये मेरे नोट्स भी हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो स्टूडेंट्स ने जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको बिल्कुल पता होगा कि आपको मैं अपने सेल्फ मेड नोट्स से भी लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आपको समझ आए कि टॉपिक है क्या, और साथ में आपको पता चले कि भाई लिखना किस तरीके से है, राइट। तो वो चीजें भी हम करते हैं, तो आप चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको ये सारे लेक्चर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। एंड कुछ न्यू भी हैं जो नहीं अपलोडेड है इनमें से नोट्स और लेक्चर्स, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो काफी लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी, एंड इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही मैंने कवर करने का कोशिश की कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, एंड दिस टेक्निक इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। आपको मैं दावा कर सकती हूँ इस टेक्निक से, अगर आप 60s में फॉल करते हैं, आप हमेशा 60% के मार्क्स लाते रहे हैं, तो आप 70s में जाएंगे, 80s में भी जा सकते हैं। आप हमेशा से 70-80 में रहे हैं तो आपका और ऊपर बढ़ेगा, मतलब आप जिस लेवल पे हो ना उस लेवल से ऊपर आप पक्का जाओगे, ये चीज गारंटीड है बिल्कुल। तो ये तरीका जरूर अपनाएं आंसर लिखने का। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ यहाँ पे। पहली चीज इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज यूजिंग द डिफरेंट कलर पेन्स, तीसरी चीज फ्लो चार्ट, चौथी चीज यहाँ पे आपको कभी भी बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, ये चीज भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ लास्ट में। आपने हर आंसर में देखा होगा मैंने शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं, या मैंने बुलेट्स या पॉइंट्स में आंसर लिखा है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि मैं शुरू से लिखना शुरू कर रही हूँ बिल्कुल टॉप वाली लाइन से और एंड तक लिखती आई हूँ, कहीं पे पैराग्राफ चेंज नहीं किया है, या कहीं पे फ्लो चार्ट नहीं डाला है, कलर चेंज नहीं किया पेन का। वो आंसर कभी मत लिखना लाइफ में। अगर आप वो तरीका अपना रहे हो तो उसको चेंज करो अपनी हैबिट को, बिकॉज ये तरीका बहुत ही ट्रेडिशनल हो गया आंसर लिखने का। आपका आंसर इतना बोरिंग होगा कोई नहीं पढ़ने वाला अपना आपका आंसर, राइट। बिकॉज देखिए, एग्जामिनर्स भी जो होते हैं वो जहां पे सेंटर पे चेकिंग करने के लिए जाते हैं, उनको भी शीट के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से अमाउंट मिलता है कि इतनी शीट चेक करने पे, पर शीट चेक करने पे इतना अमाउंट मिल रहा है। जो भी लेट सपोज उनको एक पेपर चेक करने पे 20 या 25 रुपए मिल रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करें। एंड ट्रस्ट में, कोई भी आपका ऊपर से नीचे तक नहीं पढ़ने वाला आंसर, वो इतने शार्प माइंडेड होते हैं और उनकी आईज इतनी शार्प होती है, वो आपकी शीट देखते ही समझ जाएंगे, कुछ वर्ड्स देखेंगे और वही वर्ड आप हाईलाइट कर देंगे, तो आप उनकी मेहनत
थोड़ी सी कम कर रहे हैं और आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे और प्लस उनको पता भी चल जाएगा, हाँ भाई इस बच्चे को आंसर अच्छे से आता है, इस बच्चे को पता है, इसने हाईलाइट की है प्रॉपरली चीजें, हाँ ये तो आंसर में मेन था, ये हाईलाइट किया है और लिखा है इसने, वेरी गुड ग्रेट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने चीजें हाईलाइट करें, जो नॉलेज आपके पास है वो बता रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा मार्क्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऊपर से लिखना नीचे तक, Nobody is going to read. Please, वो habit छोड़ दीजिए, बहुत traditional way हो गया है और as a teacher अब आपसे expect नहीं किया जाता है ये, right? क्योंकि 21st century में हम रह रहे हैं and we know आजकल की generation what type of things we want and हमारे जो students होंगे जिनको हम पढ़ाते हैं उनको भी चाहिए होगा, right? So that's it for this video. Last में एक चीज और add करनी थी मुझे कि conclusion, वो भी आपको निष्कर्ष ये भी लिखना जरूरी है, तो वो भी जरूर डालें, conclusion आप highlight करें और फिर conclusion लिखें। So that's it and और किसी topic पे अगर आपको video चाहिए हो so you can suggest me that topic in the comment section. बाकी इन जो मैंने आपको यहाँ पे सैम्पल्स दिखाए हैं इनका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे ये पीडीएफ मैं डाल दूंगी एक एक सैम्पल इंग्लिश मीडियम का भी और हिंदी मीडियम का भी कि आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, थैंक यू।